दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। मैं आज कोई जर्नी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ट्रेन से ही जा रहा हूँ और मैं अपनी बाइक को साथ में लेकर के जा रहा हूँ। तो जो प्रोसेस रहता है ना बाइक का, बाइक कैसे भेजते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कैसे बाइक भेजनी है, क्या क्या प्रोसेस रहता है, तो आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊँगा। ये है मेरी बाइक हीरे स्प्लेंडर प्लस ब्लैक कलर की, तो इसी को मैं अपने साथ लेके जाने वाला हूँ। आगरा कैंट से अहमदाबाद अपनी बाइक लेके जा रहा हूँ। तो आगरा कैंट का ये है पार्सल ऑफिस और आगरा कैंट का रेलवे स्टेशन सामने है, वहाँ से थोड़ा सा आप इधर आएंगे, ये है ऑफिस। तो यहाँ का सारा जो पूरा प्रोसेस होता है वो आपको बताऊंगा इस वीडियो में, कैसे आप बाइक लेके जा सकते हैं और क्या प्रोसेस रहता है, कितनी फीस रहने वाली है, वो सब आपको बताऊंगा डिटेल में। तो यहाँ पर देख लो, हम पेट्रोल निकलवा रहे हैं बाइक से और बाइक के जो पैकिंग के रेट है ना, देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये हमने फॉर्म ले लिया है, पहले आपको फॉर्म मिल जाएगा और आपको बता दूँ आपको फॉर्म या पैकिंग वाले ऑफिस में ही मिल जाएगा। ये भैया आपको गाइड भी कर देंगे कैसे कैसे भरना है। तो यहाँ पर देख लो ऐसा कुछ भरना है, जहाँ से आपको भेजनी है और कहाँ पे भेजनी है वो डालना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अपना नाम और पता, अपना किस नाम से गाड़ी है उसका वो यहाँ पे डालना है और कौन रिसीव करेगा वो उसका नाम डालना है। वैसे मैं ही रिसीव कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे सेल्फ डाला है और साबरमती में भेज रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्टेशन कोड डाल दो और कितना है आपका, एक, तो मैंने यहाँ पे एक डाला हुआ है। और आपकी गाड़ी का नंबर वगैरह यहाँ पे डाल दो, ठीक है, कौन सी गाड़ी है वो। और यहाँ पे अपनी गाड़ी की वैल्यू वगैरह डालनी पड़ती है, तो मैंने वैल्यू कम ही रखी है क्योंकि टैक्स वैक्स लगा देती हैं तो पैसा ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। और अपने साइन करने हैं और डेट डालनी है यहाँ पे, अपना नंबर भी यहाँ पे डाल देना है। तो ये हमने फॉर्म भर लिया पूरा। और जो बाइक का चार्ज है मेरे का वो लगभग 590 रुपये है, 500 रुपये चार्ज है और 90 रुपये लगभग GST के चार्ज लगते हैं, 18% GST है, ठीक है। बाकी सामने अपना आगरा कैंट रेलवे स्टेशन है, ठीक है, उसका एक नंबर है, एक नंबर के इधर आप आएंगे तो यहीं पे आपको पार्सल ऑफिस मिल जाएगा। ये पैकिंग ऑफिस है और पार्सल ऑफिस सामने है वहाँ पे। तो अभी यहाँ से पैक करवा लें पूरा, पहले आपको गाड़ी पूरी पैक करवानी होती है, उसके बाद आपको वहाँ देना होता है सारा कुछ। नहीं, पैक हो रही है बाइक और पैक हो जाएगी, फिर उसके बाद लेके चलते हैं ऑफिस में, देखते हैं कितना चार्ज लगता है। और हाँ ये भी है, और अगर आपको सेम डे भेजनी है तो वही बताएंगे, अगर गाड़ी में जगह होगी तो सेम डे जाएगी वरना नेक्स्ट डे जाएगी। और देखते हैं कितना चार्ज रहेगा यहाँ से आगरा कैंट से अहमदाबाद का। वैसे मैं साबरमती वाली ट्रेन में जा रहा हूँ, जिस ट्रेन से मैं भेजना चाह रहा हूँ उसी ट्रेन में मैं जा रहा हूँ, मेरी टिकट उसी में है। तो आई होप तो उसी ट्रेन में जगह मिल जाए और अपनी बाइक साथ में चली जाए। तो पूरा प्रोसेस आपको बताता हूँ कैसे बाइक जाती है और कितना खर्चा हो जाता है। भैया ने पैकिंग का बिल बना के दे दिया है, ये देख लो 590 रुपये यहाँ पे, और हमारी बाइक किस नाम से वो सब कुछ यहाँ पे हमारा पूरा बिल बना के दे दिया है। तो मैंने तो भाई अच्छी वाली पैकिंग करवा रहा हूँ। वैसे तीन तरीके की पैकिंग होती है यहाँ पे, नॉर्मल होती है, मीडियम होती है, स्टैंडर्ड होती है, ठीक है। तो आप जो आपका बजट है उस हिसाब से करवा सकते हैं, लेकिन मैं तो भाई स्टैंडर्ड ही करवा रहा हूँ क्योंकि गाड़ी अपनी भेजनी है, दूर जा रही है, अच्छे से पहुँचे, सेफ पहुँचे, इसलिए मैं स्टैंडर्ड करवा रहा हूँ। कुछ ना गाड़ी लेके आ गए हम लोग और अभी चेक हो रही है भाई, पहले चेक होगी इसके बाद बिल्टी बनेगी इसकी। तो ये आ चुका है भाई, लोकल लैंग्वेज बोलते हैं इसको बिल्टी। ये हमें पूरा यहाँ पे बिल वगैरह सारी डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएंगी, और जो टोटल बिल लगाना हमारा वो 1373 रुपये है, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ से आगरा कैंट से अहमदाबाद के, मतलब साबरमती के एक बाइक के जो हमारी स्प्लेंडर है उसके एवरेज मान लो तो हमारे यहाँ 1380 रुपये लग गए, तो अप्रॉक्स 1900 रुपये लग गए, 1900 रुपये में हमारी बाइक साबरमती पहुंच जाएगी। और ये अच्छी बात है कि मैं इसी ट्रेन में जा रहा हूं जिस ट्रेन से भेजना चाह रहा हूं। आपको अपनी गाड़ी ट्रैक करनी है तो यहां पे PRR नंबर मिलता है जिसको द्वारा आप अपनी गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं। जो भी अपना सामान भेज रहे हैं ना, PRR नंबर मिलता है उसके द्वारा अपना ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा सामान कहाँ पहुँच चुका है और कब पहुँचेगा, वो सब आप उसमें ट्रैकिंग में दिखा देगा ऑनलाइन आपको। तो दोस्तों अपनी ट्रेन का अनाउंसमेंट हो रहा है यहाँ पे, दोस्तों ट्रेन अपनी उधर लगी हुई है और अपनी बाइक लोड होने के लिए जा रही है, और मैं सही टाइम पे आ गया, अपनी बाइक अपने सामने ही लोड होते हुए देख लूँगा। ये अपनी ट्रेन है, इसका नाम है आगरा कैंट अहमदाबाद एक्सप्रेस, लेकिन जाती है साबरमती है, साबरमती BG। ट्रेन नंबर वगैरह यहाँ पे सारे मेंशन है, और ये है लगेज रूम, यहाँ से अपनी बाइक अब लोड होगी, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे अपनी बाइक लोड हो रही है,
और काफ़ी स्पेस है, मतलब अच्छे से सेट करके दे देंगे भैया से, मैंने बोल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा आज का अपना कोच थर्ड एसी, इसी में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं, ठीक है। और ये है अपना B1, देख लो। चलिए अपनी ट्रेन चल दिया ऑन टाइम पे 10:10 पे आगरा कैंट से। और यहाँ पर सामने अपना WFP-7 खड़ा हुआ है, प्रिंस खड़े हुए हैं। The next morning. तो ये पूरे 50 मिनट बिफोर, मतलब 1 घंटे पहले यहाँ पर ट्रेन आ गई थी, ऑर्डर पे थी, तो 50 मिनट बिफोर तो प्लेटफॉर्म पर लग गई। तो मतलब भाई ट्रेन तो काफ़ी बढ़िया है और टाइम कम हो सकता है इस हिसाब से, मतलब 50 मिनट बिफोर यहाँ पर लग गई है। तो और हर स्टेशन में बिफोर ही चल रही थी, कहीं भी लेट नहीं हुई ट्रेन। और बाकी चलते हैं अपनी बाइक के पास और देखते हैं कितना टाइम लगता है उसे यहाँ से ले जाने में और क्या प्रोसेस रहता है, वो आपको दिखा दो। तो जी साबरमती आ चुके हैं और भैया अभी आ गए यहाँ पर, अपनी बाइक अनलोड हो रही है। दोस्तों ये अपना गेट पास मिल गया है और बाइक अपनी आ चुकी है एकदम बाहर, ये है बुकिंग ऑफिस। यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लगा, एक्चुअली टाइम इसलिए लग गया कि हमारी ट्रेन ना पहले आ चुकी थी 1 घंटे पहले, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि टाइम अराइव 11:50 का था और 10:50 से पहले ही हमारी ट्रेन पहुंच गई थी, तो इसलिए वेट करना पड़ा। बाकी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पे हो गया है। बाकी आपको बता दूँ जो मेरा पूरा पेमेंट यहाँ तक का लगा, लगभग 2000 रुपये लग गए यहाँ तक आने में बाइक में। और भैया खोल गए, इनसे भैया से ही मैंने पेट्रोल मंगवा ली थी, यहाँ पे तो पेट्रोल मिली नहीं थी, एक्चुअली पेट्रोल पंप वाले दे नहीं रहे थे, मैंने फ्रेंड से मंगाई थी। तो बाकी बाइक अपनी सेफली यहाँ पे आ गई है। बाकी ये अपने भाई हैं, इन्होंने ये गाड़ी पूरी वहाँ से अनलोड की ट्रेन में से और यहाँ तक लेकर के आए। वैसे बहुत दूर था ट्रेन, पूरी पूरा कोच ना पूरा पीछे तक था, यहाँ तक लेकर के आए भाई। बहुत मेहनत करते हैं भाई, आपको कभी गाड़ी वगैरह कुछ भी सामान भेजना है आपकी भाई पूरी हेल्प करेंगे यहाँ पे। और इन्होंने पेट्रोल में भी बहुत हेल्प की, थैंक यू भाई। क्या नाम है भाई आपका वैसे? मणिकंडन। अच्छा आप यहीं पर काम करते हो भाई, आपको मिलेंगे अगर आपको यहाँ से साबरमती से कोई भी सामान या बाइक वगैरह भेजनी है, पूरी हेल्प करेंगे आपको। तो चलिए बाइक में मैंने पेट्रोल डाल लिया और चलते हैं। अपना आधार कार्ड, RC की फोटो स्टेट और फॉर्म मिलेगा, फॉर्म तो आपको कोई भी भरवा देगा, इजीली फॉर्म भर जाता है, वैसे मैंने आपको बता ही दिया है ना। बाकी कोई भी क्वेरी होती तो आप लोग इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं फॉलो करके और कमेंट भी कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। तो चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई, अगर पसंद आई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ख्याल रखना भाई, टेक केयर, जय हिंद।